हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप सब कैसे हैं। तो गाइस देखिए, अभी जस्ट सो के उठा है ये, इसको पानी वगैरह पिला दी हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं ना नाश्ता वगैरह सब बना ली हूँ और इनको जो है ना नाश्ता करा के भेज दी हूँ। वो चले गए हैं अपने शॉप और अब मैं अपना सारा काम और करूँगी। सबसे पहले लेकिन इसको नाश्ता करा देंगे, उसके बाद नाश्ता करोगे? नहीं, खाने के लिए वो नहीं, हाँ कभी नहीं बोलेगा। रोटी खाओगे? हाँ वो खाएगा। चलिए तो फिर खिलाते हैं फिर इसको। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं नाश्ता करा रही हूँ। तो ना श्रेयु से पूछी, आप रोटी खाओगे कि पोहा खाओगे? तो बोला रोटी खाऊंगा, पोहा को नहीं बोला। तो फिर ना इसको डुबा के, चाय में डुबा के रोटी खिला रही हूँ। पोहा को देखूंगी बाद में, जैसे खाएगा तो। और उसके साथ में बातें करते करते, खेलते खेलते उसको खिलाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ना उसको खिलाते खिलाते। तो बातें करते रहोगे तो टाइम का पता भी नहीं चलता है उसके साथ में। यहाँ पे देखिए वो खा रहा है। तो सोची अब मैं इधर ना बिस्तर को भी झाड़ लेती हूँ, दोनों साथ हो जाएगा मेरा काम। इधर वो खेल भी रहा है, खा भी रहा है, और इधर मेरा बिस्तर भी झट जाएगा। फटाफट से उसको कर लेती हूँ। अब ये देखिए फिर खिलाने के लिए लग गई, क्योंकि टाइम तो लगता ही है उसमें। और ये देखिए आज मैं बनाई हूँ पोहा, जो कि बोला बाबू पोहा नहीं खाऊंगा करके, और टमाटर की चटनी। मस्त लगा टमाटर की चटनी ना। और यहाँ पे दूध को भी उबाल के रख दी हूँ। और इधर देखिए फिर ना अब मैं सोची सफाई भी थोड़ा सा कर लेती हूँ करके, काफ़ी मतलब धूल हो गया था, नहीं की थी तो, हफ्ते भर से नहीं की थी ना, तो काफ़ी धूल हो गया था। तो आज ना मैं सोची सफाई ही कर देती हूँ। खिड़की वगैरह को भी मैं साफ़ कर दूँगी, उसमें ना काफ़ी धूल जम जा रहा है। तो देखिए श्रेयु वहाँ पर बैठ के देख रहा है मुझे, और मैं ना साफ़ कर देती हूँ फटाफट से उसको। वहाँ पे खड़े होके खेलते भी रहता है ना श्रेयू। वहाँ पर से ना खिड़की को ओपन करती हूँ तो वहाँ का धूल भी निकाल निकाल के ना इधर बिस्तर में ही झाड़ देता है वो। तो देखिए फटाफट से हो गया। मैं ना खिड़की वगैरह को ना काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं की हूँ गाइस, बहुत ही दिनों से। तो सोची ना उसको भी थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ना साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ करके। तो आज ना मैं सफाई में ही लगी हुई हूँ, इधर स्विच बोर्ड वगैरह का भी ना सबको सफाई करने में ही लगी हुई हूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिन से सफाई नहीं की थी ढंग से। तो यहाँ पर ना आज सफाई अभियान चला रही हूँ मैं। अब आ गई हूँ फ्रिज के पास में, वहाँ भी ना श्रेयु टच कर कर के पूरा गंदा कर दिया था फ्रिज को भी। और ऐसे जनरली छूने से तो फ्रिज ऐसे ही गंदा हो ही जाता है टच करोगे तो पूरा फ्रिज को ही साफ़ कर रही हूँ मैं। तो देखिए अच्छे से हो गया है मेरा क्लीन फ्रिज को। ऊपर का तो उस दिन की थी मैं, फिर भी थोड़ा बहुत हटा हटा के फिर से कर देती हूँ, और इधर का नहीं करी हूँ। और यहाँ पर देखिए श्रेयो आ गया है कैमरे के सामने। और देखिए ये स्विच भी बोर्ड है ना, उसको भी साफ़ कर देती हूँ, उसमें भी काफ़ी धूल जम गया था। एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई हूँ ना तो नहीं बन रहा है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड भी ना पूरा क्लीन हो गया है, कैमरा मेरा इधर उधर हो रहा है हाथ, क्योंकि सफाई कर रही हूँ तो। और यहाँ पर देखिए टीवी भी ना, काफ़ी धूल जम गया था टीवी में भी, तो उसको भी ना अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, लेकिन नहीं बन रहा है देखिए। तो फिर ना मैं इधर पास में रख दी हूँ पीछे साइड में कैमरा को, और फिर उसके बाद अच्छे से सफाई कर रही हूँ। आज ना श्रेयो मुझे देख रहा है, मम्मी आज सफाई ही कर रही है करके, देखिए वहाँ पे खड़ा होके। जाला भी लग गया था टीवी के पीछे में, ज़्यादा हम लोग चलाते नहीं हैं ना, अब हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं तो। तो देखिए उधर का साफ़ सफाई पूरा हो गया है मेरा, और थोड़ा सा बर्तन था ना तो उसको क्लीन करने के लिए आ गई हूँ मैं किचन में। श्रेयु अपना खेल रहा है बर्तनों से,
कुकर से, और मेरा काम मैं इधर कर रही हूँ। साथ ही साथ देखिए पानी भी चालू हो गया था, तो मैं पानी भी भर लेती हूँ बॉटल में और रख देती हूँ शॉप ले जाने के लिए। उधर गुंडी वगैरह में भी पूरा पानी भर ली मैं, और यहाँ आ गई हूँ। देखिए ये जो ड्रेसिंग है ना टेबल, वो भी ना काफ़ी गंदा हो गया था। मिरर में मेरे हस्बैंड जी ना कंघी करते हैं तो उनका जो बाल का पानी है ना वो उसमें चला जाता है आईना में, तो वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। करती थी लेकिन हो गया था, फिर भी काफ़ी गंदा, काफ़ी दिनों से नहीं की थी। तो देखिए आज उसमें उसको भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो गया है मेरा पूरा क्लीन। और ना जब मैं बर्तन धो रही थी ना तो यहाँ किचन को भी पूरा साफ़ कर दी थी, और चावल ख़त्म हो गया था करके ना चावल को मैं मंगाई थी मेरे हस्बैंड से, तो ये लेकर आएंगे ना तो बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं वो चावल को, और वो चले गए हैं अपने शॉप। ज़्यादा लेकर नहीं आए हैं, थोड़ा सा ही लेकर आए हैं, फिर बाद में और अपना ले आएंगे क्योंकि अभी ज़रूरी था करके। तो देखिए यहाँ पर मैं बाल्टी में डाल दी हूँ चावल को, और जो पॉलीथीन है ना उसको इकट्ठा कर करके रख रही हूँ, काम आता है वो। और देखिए यहाँ पर एक गिलास चावल निकाली हूँ, एक गिलास हम तीनों के लिए हो जाता है। और यहाँ पर धो के ना रख दे रही हूँ चावल को, ताकि ये इधर पकते रहे। फिर मैं ना अपना जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरा इधर किचन और रूम का झाड़ू लग गया है। आ गई हूँ हॉल में, और हॉल में ना जो सोफ़ा के पीछे है ना वो काफ़ी गंदा हो गया था, नहीं की थी तो देखिए वहाँ पर भी ना जाला वगैरह लग गया था, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ धूल है तो, और ना पोछा वगैरह लगा के फिर खिसका के उसको जमा दी हूँ फिर से। और फिर लग गई हूँ इधर का अब झाड़ू लगाने के लिए, उसके बाद फिर ना पोछा भी लगा दूँगी साथ ही साथ में। तो देखिए यहाँ पर ना मैं पोछा भी लगा रही हूँ फटाफट से, वो भी हो जाएगा मेरा। तो आज धूल, आज ना क्लीन ही कर रही हूँ आज घर को, साफ सफाई पूरा धूल निकाल रही हूँ, धूल को बाहर निकाल फेंको घर से। तो देखिए यहाँ पर ना मेरा पोछा लग गया है, और अब इधर का लगा रही हूँ पोछा, किचन रूम का सबको लगा डाली हूँ पोछा। यहाँ बचा हुआ है हॉल में, तो हॉल को भी लगा देती हूँ फटाफट से, वो भी लग जाएगा फिर अपना रेडी हो जाऊँगी मैं। ये देखिए श्रेयू को रेडी कर दी हूँ मैं, और अभी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था तो चालू करने के लिए गई थी, अब भरा जाएगा तो फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो सोचा सबसे पहले इसी को ही रेडी कर देती हूँ, तो ये रेडी हो गया है और जा रही हूँ अब इसका छोटी करके कंप्लीट कर दूंगी। और मैं यहाँ पर नीचे उतर रही हूँ क्योंकि ना नीचे में जो बोर का बटन है ना उसको जा रही हूँ बंद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोर के पास आ गई हूँ, उसको बंद कर दी हूँ, फिर आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पपीता फला हुआ है, और फिर जा रही थी ना तो सोची देखी यहाँ पे बरबट्टी फला हुआ है, तो मैं सोची ना उसको भी तोड़ लेती हूँ, हो जाएगा हम लोगों के लिए एक सब्जी। तो यहाँ पर ना बरबट्टी तोड़ ली मैं और ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर जाके ना अपना रेडी हो जाऊँगी फिर चली जाऊँगी शॉप में। तो अभी ना मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा। बाय, टेक केयर।